कलेक्ट किया है, जो हमारे लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुफाहमत की बात, किस किस्म की मुफाहमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितनी हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया, यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज़ हुकूमत की काबीना ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे उन्होंने 2-3 लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा, कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की, मेरा सवाल, इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की, मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और इस पर हम पूरा हमने डेटा कलेक्ट किया है।
जो हमारे लोग पारन 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाजह करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया, यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाईजान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग का रोल है। मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेजिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे उन्होंने दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा, कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। खवातीन हजरात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। Over to you, speaker साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असम्बली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूं और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग पारन 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत?
जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको अवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाज़ह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं, ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद भी नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया, यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है, हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेजिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके, हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा, कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहाँ पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहाँ पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असम्बली में हम लोग ज़रूर करेंगे। Over to you, Speaker साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असम्बली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूं और इस पर हम पूरा हमने डाटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग पारम 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाजह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला
हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया। हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग का रोल है। मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज़ हुकूमत की काबीना ने प्रेजिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे उन्होंने दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा। कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइज ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। खवातीन हजरात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असम्बली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूं और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग पारन 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाजह करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है,
इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी हमारे सबके साथ जितनी हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद भी नहीं किया। हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पर इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा। कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहाँ पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहाँ पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असम्बली में हम लोग ज़रूर करेंगे। Over to you, Speaker साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असम्बली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूं और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग पारन 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाज़ह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएँगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी हमारे सबके साथ जितनी हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे
MNS, MPS हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे, हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया, यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है, हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग का रोल है। मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून ये काबिज़ हुकूमत की काबीना ने प्रेजिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं, ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके, हम इसको बिल्कुल नहीं मानती, झूठ पे उन्होंने दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें, हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा, कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की, मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। खवातीन हजरात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। Over to you, speaker साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे, इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं इंशाल्लाह ताला इनको इस असम्बली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूं और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो हमारे लोग पारन 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत, जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाजह करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह बेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं, ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितनी हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNS, MPS हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून, ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेजिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा। कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे, जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहाँ पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहाँ पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असम्बली में हम लोग ज़रूर करेंगे। Over to you, Speaker साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथखंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असम्बली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूं और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग पारन 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजे होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए। तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितनी हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNS MPS हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस
और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हुकूक है, तमाम शहरियों के हुकूक बराबर है। हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है। और इंशाल्लाह ताला देखे, हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग का रोल है। मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून ये काबिज़ हुकूमत की काबीना ने प्रेजिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था। शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे उन्होंने दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा। कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। खवातीन हजरात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं, इंशाल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग फार्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाजह करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह बेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद भी नहीं किया। हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी कुछ के साथ बात हो भी चुकी है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस और हम इंशाल्लाह एक मुनज़्ज़म इंशाल्लाह एक कैंपेन चलाएँगे, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जो ना, ये तो उन्होंने बिना ना रिपब्लिक कर दिया। यहाँ तो जंगल का कानून है, यहाँ तो मुल्क स्टेट रहा नहीं है।
हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हकूक है, तमाम शहरियों के हकूक बराबर है, हम किसी तौर पर किसी को हथियार नहीं देते कि वो हमारे हकूक पे डाका डाले। ये एक आईनी पोजीशन है भाई जान, वो तो होना है और इंशाल्लाह ताला देखे। हम तो हमारे एक पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुख्तलिफ हमारे वो उसकी अलग रोल है। एक सेकंड, मौजूदा काबीना मुस्लिम लीग नून ये काबिज हुकूमत की काबीना ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से हलफ किया था, शुक्रिया। नहीं, ये जो रात को दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया है, हम इसको ड्रामा समझते हैं। ये सिर्फ ड्रामा है इसलिए कि हमें मुलाकात से रोके। हम इसको बिल्कुल नहीं मानती। झूठ पे दो तीन लोगों को इकट्ठा किया और इस तरह करते, ये ड्रामे ना करें। हमें पता है कि आप जो ड्रामे करते हैं इंशाल्लाह ताला आपका एहतसाब होगा, भरपूर एहतसाब होगा, कल असेंबली में इनसे होगी इंशाल्लाह बात। बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहां पे है आपका रूल ऑफ लॉ, कि जहां पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे जिसकी इजाजत है कानून में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहां पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ हम लोग इंशाल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहां पे बुलाएंगे, प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तेकाक मजरूह है और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग जरूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथखंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाजह करना चाहता हूँ। नंबर वन ये है कि इंशाल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेम्बरान हैं इंशाल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और इस पर हम पूरा हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग फार्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएँगे क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाजह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको आवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए, तो हम ये बात वाज़ह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म चलाएँगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मुज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितनी हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPAs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया, हम मुज़म्मत करते हैं और कल इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, इसमें हमने तमाम उन पार्टियों को जो आप खुद देख रहे हैं कि सिंध की जो पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जमा इस्लामी और दीगर मजहबी पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारे